तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे थालापति विजय की फिल्म द गोट के 15 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, वहीं श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 के भी 36 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ बात करने वाले हैं सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। इसके अलावा जूनियर NTR की फिल्म देवरा के एडवांस बुकिंग कलेक्शन, साथ ही साथ तुम्बाट फिल्म के भी 7 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा जरूर इन सभी फिल्मों में आपके पसंदीदा फिल्म कौन सी है। सबसे पहले अगर बात करें बॉलीवुड हॉरर मूवी तुम्बाट के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं सोहम साहब। 15 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को जब पहली बार 2018 में रिलीज किया था, तब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं कर पाई थी। लेकिन दोस्तों अब इस फिल्म को पूरे 6 साल बाद इस हफ्ते फिर से रिलीज किया गया और फिल्म ने पहले हफ्ते में इतनी शानदार कमाई कर ली जितना कलेक्शन तो ये फिल्म 6 साल पहले रिलीज होकर नहीं कर पाई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर तुम्बाट फिल्म ने रिलीज होकर 7 दिनों में जितना कलेक्शन किया है उतनी कमाई इस फिल्म की पहली बार रिलीज होने पर टोटल भी नहीं थी। अगर बात की जाए तुम्बाट के 7 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने शुरुआती 5 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 10 करोड़ 42 लाख रुपए का किया था। वहीं फिल्म ने 6 दिन 1 करोड़ 62 लाख रुपए की कमाई की थी और ये फिल्म अपने 7वें दिन कमा रही है 1 करोड़ 45 लाख रुपए। इसी के साथ तुम्बाट मूवी का शुरुआती 7 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 13 करोड़ 72 लाख रुपए हो चुका है, तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 14 करोड़ 20 लाख रुपए। अब आपको बता दूं दोस्तों, ये फिल्म जब 2018 में रिलीज हुई थी तब इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 16 करोड़ 30 लाख रुपए का रहा था, यानी कि फिल्म ने अच्छी खासी कमाई दोबारा रिलीज होकर भी कर ली। हालांकि दोस्तों तुम्बाट के 2018 और अभी के कलेक्शन को प्लस किया जाए तो इस फिल्म ने टोटल कमाई 31 करोड़ 55 लाख रुपए की कर ली है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट बन चुकी है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म स्त्री 2 के बारे में, अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनी हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2। इस फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी हमें देखने को मिले थे। बताना चाहूंगा दोस्तों, ये फिल्म इंडियन सिनेमा के हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। लेकिन दोस्तों अब इस फिल्म के कमाई जिस तरीके से दिन पे दिन अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि फिल्म सिनेमाघरों में अभी एक हफ्ते और अच्छी खासी कमाई करेगी और जैसे ही जूनियर NTR की देवरा रिलीज होगी उसके बाद ही शायद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई की रफ्तार धीमी कर पाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर स्त्री 2 को सिनेमाघरों में लगभग 5 हफ्ते पूरे होने को आ चुके हैं और अगर बात करें फिल्म के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों स्त्री 2 ने शुरुआती 34 दिनों के अंदर ही 586 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया था। वहीं फिल्म ने 35वें दिन 2 करोड़ 21 लाख रुपए की कमाई की थी। वहीं दोस्तों स्त्री 2 फिल्म अपने 36वें दिन भी लगभग 2 करोड़ रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों स्त्री 2 का शुरुआती 36 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 590 करोड़ 20 लाख रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 696 करोड़ 45 लाख रुपए। बता दूं दोस्तों, फिल्म का जो टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 833 करोड़ 70 लाख रुपए का हो चुका है। बहुत ही जल्द दोस्तों ये फिल्म इंडिया नेट कलेक्शन के मामले में 600 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली है। वहीं वर्ल्ड वाइड मार्केट में इस फिल्म की कमाई अब तो आज 850 करोड़ तक आराम से जाएगी। बताना चाहूंगा दोस्तों, स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर ऑलरेडी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर बन चुकी है क्योंकि फिल्म का बजट सिर्फ 80 करोड़ था और ये मूवी बजट से 10 गुना ज्यादा कमाई ऑलरेडी कर चुकी है। वहीं दोस्तों अब अगर बात करें एक्शन ड्रामा फिल्म देवरा के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शिवा कोटला और इस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे जूनियर NTR, जानवी कपूर और सैफ अली खान। अब दोस्तों पैन इंडिया फिल्म देवरा, जिसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा पांचों भाषाओं में 27 सितंबर को रिलीज किया जाना है और इस फिल्म के रिलीज होने में अब सिर्फ समय बचा है एक हफ्ते का। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जूनियर NTR के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म का, जो कि इंडिया की बुकिंग कब शुरू होगी एडवांस। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगले 2 दिनों में इस फिल्म की इंडिया में एडवांस बुकिंग सबसे पहले तेलुगु वर्जन और फिर तमिल वर्जन की शुरू होगी, उसके बाद हिंदी वर्जन की बुकिंग भी जल्द से जल्द खोल दी जाएगी। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि देवरा फिल्म की जो ओवरसीज मार्केट की एडवांस बुकिंग है ऑलरेडी काफी दिनों पहले शुरू हो चुकी थी, जहां पर फिल्म को पूरी तरीके से रिकॉर्ड तोड़ रिस्पांस मिला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देवरा फिल्म ओवरसीज मार्केट में एडवांस बुकिंग कलेक्शन के मामले में प्रभास की कल्कि से भी ज्यादा बेहतर कमाई करती जा रही है। अगर बात की जाए यहां पर देवरा की ओवरसीज टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म के जो फर्स्ट डे की ओवरसीज एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो 1.33 मिलियन डॉलर की हो चुकी है, जो कि 16 करोड़ 14 लाख रुपए होते हैं। वहीं दोस्तों इस फिल्म की जो वीकेंड के एडवांस बुकिंग है विदेशों में वो है 2.65 मिलियन डॉलर की हो गई है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 22 करोड़ 17 लाख रुपए बनते हैं। तो दोस्तों यहां पर देवरा फिल्म का
ओवरसीज मार्केट में तो एडवांस बुकिंग काफी शानदार जानदार हो चुका है। अब देखते हैं कि जब इस फिल्म की इंडिया में बुकिंग शुरू होगी तो इस फिल्म का इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होने वाला है। हालांकि इतना तो कंफर्म है कि फिल्म की ओपनिंग 100 करोड़ से ज्यादा की होने वाली है। उसके बाद अगर फिल्म अच्छी हुई तो शायद ही मूवी बॉक्स ऑफिस पर जूनियर एनटीआर के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म बन जाए। वहीं दोस्तों अगर बात करें रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी एक्शन कॉप ड्रामा फिल्म सिंघम अगेन यानी कि सिंघम 3 के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे अजय देवगन, करीना कपूर, साथ ही साथ इस फिल्म में अक्षय कुमार, वहीं रणवीर सिंह एज अ सिम्बा नजर आने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म में नई एंट्री होगी टाइगर श्रॉफ की, वहीं दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी। अब दोस्तों पिछले कुछ दिनों से ये खबर काफी ज्यादा हवा में उड़ी है कि यहाँ पर सिंघम 3 जो कि दीपावली के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन भूल भुलैया 3 की वजह से सिंघम 3 की रिलीज डेट भी आगे बढ़ा दी जाएगी। ऐसे में दोस्तों सिंघम 3 के मेकर्स ने ऑफिशियली फिर से कंफर्म कर दिया है कि सिंघम 3 फिल्म अब रिलीज होगी दीपावली के ही मौके पर, कोई डेंटिंग नहीं होगी इसमें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जब फिल्म को रिलीज होने का समय काफी कम बचा है तो बहुत सारे सिंघम 3 के फिल्म के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म के अपडेट्स की। तो दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ही जल्द आपको सिंघम 3 के कुछ नए पोस्टर्स और इस फिल्म का टीजर भी देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर सिंघम 3 के कुछ नए पोस्टर रिलीज होंगे, जहाँ पर फिल्म की जो रिलीज डेट है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दी जाएगी। और दोस्तों ये भी खबर आई है कि अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीकेंड में यहाँ पर सिंघम 3 का एक पावरफुल टीजर भी रिलीज किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सिंघम 3 का जो टीजर है वो इतना धमाकेदार हो कि ये फिल्म जब दीपावली के मौके पर रिलीज हो तो बॉक्स ऑफिस को पूरी तरीके से फाड़ दे। वैसे भी दोस्तों फिल्म की स्टार कास्ट इतनी तगड़ी है तो उम्मीद कर सकते हैं कि सिंघम 3 दीपावली के मौके पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बनेगी। लेकिन देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि सिंघम 3 स्त्री 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ती है कि नहीं। वहीं दोस्तों अगर बात करें थालापति विजय की ब्लॉकबस्टर फिल्म द गोट यानी कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के बारे में, तो दोस्तों वैकेंट प्रभु के डायरेक्शन में बनी एक्शन ड्रामा थ्रिल फिल्म द गोट, जिस फिल्म में थालापति विजय सर के साथ में हमें प्रभु देवा देखने को मिले थे, बताना चाहूंगा दोस्तों इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा पांचों भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज किया था और इस फिल्म को सिनेमा घरों में हो चुके हैं 15 दिन। फिल्म ने 15 दिनों के अंदर इंडिया में तो शानदार कमाई की, साथ ही साथ ये फिल्म विदेशों में भी रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करने में कामयाब रही। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के पहले हफ्ते के कलेक्शन काफी धमाकेदार थे, लेकिन दूसरे हफ्ते में बहुत सारी अलग अलग भाषाओं की नई फिल्में आ गई और जिसके चलते इस फिल्म की स्क्रीन दूसरे हफ्ते में कम होती चली गई। लेकिन कम स्क्रीन पर भी ये फिल्म करती जा रही है ताबड़तोड़ विस्फोटक कमाई। हालांकि यहाँ पर अगर बात करें तो गोट के 15 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस फिल्म के 14 दिनों के एरिया वाइज अलग अलग टोटल कलेक्शन। तो दोस्तों आपको बता दें कि द गोट फिल्म ने शुरुआती 14 दिनों में तमिलनाडु से ग्रॉस कलेक्शन किया 196.73 करोड़ रुपए का। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी फिल्म की कमाई काफी कम रही और फिल्म ने अभी तक सिर्फ 13.55 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके अलावा दोस्तों फिल्म ने कर्नाटका में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया और फिल्म का कर्नाटका का ग्रॉस कलेक्शन 14 दिनों का 26.11 करोड़ रुपए का रहा। वहीं दोस्तों फिल्म ने केरला में भी काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया और फिल्म का 14 दिनों का केरला का ग्रॉस कलेक्शन 12.98 करोड़ रहा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म नॉर्थ इंडिया यानी कि हिंदी मार्केट में काफी अच्छे आंकड़े लाने में कामयाब रही और फिल्म का 14 दिनों का हिंदी ग्रॉस कलेक्शन यानी कि नॉर्थ इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 23.87 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं ओवरसीज मार्केट में 152.80 करोड़ रुपए की कमाई द गोट मूवी ने अब तक कर ली है। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने शुरुआती 14 दिनों में वर्ल्ड वाइड मार्केट से टोटल कलेक्शन 426.09 करोड़ रुपए का कर लिया है। अब बात करें इस फिल्म के आज की यानी 15वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि द गोट फिल्म अपने 15वें दिन वर्ल्ड वाइड मार्केट में लगभग 4.25 करोड़ रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का शुरुआती 15 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 430.34 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, द गोट फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा पांचों भाषाओं से दुनिया भर में 15 दिनों के अंदर 430.34 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है और आने वाले दिनों में ये फिल्म 450 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होने वाला है, क्या ये फिल्म 500 करोड़ क्लब में पहुंच पाती है कि नहीं। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, द गोट फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां तक होने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल फिल्मी यात्रा को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द होगी मुलाकात आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुस्कुराते रहिए।